3D रंगोली तो आपने बहुत सारी देखी होगी, बट इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत कुछ नया। ये है मेरी हाइपर रियलिस्टिक रंगोली। तो देखकर ही आपको लग रहा होगा कि मुझे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा बनाने में। आप इसकी आइज देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, मतलब मुझे तो खुद लग रहा है कि मैंने कुछ एक पोस्टर जैसा कुछ बना दिया है, बट ये पूरी रंगोली है। देख पा रहे हैं आप इसकी जो स्किन की जो टोन है और जो जितनी सारी झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स है, जो मसे हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इसमें बनाई है, बिल्कुल अपनी आँख को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बना दिया था मैंने। इतनी बारीकियाँ ढूंढ ढूंढ कर बनाई है मैंने, एक एक तिल बनाया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हाइलाइट्स जो है, जो झुर्रियों पर हाइलाइट्स है, ये सारी मैंने की है। आँखें जो सेम बननी चाहिए थी, दोनों आँखों का सेम कलर होना चाहिए, वो किया है। उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस की होगी कि ये जो हेयर्स हैं, यहाँ से भी हेयर्स निकल रहे हैं, वो भी वाइट कलर के, और यहाँ पर भी कुछ एक डॉट सा था उन्हें, मैंने वो भी बनाया है। सो अब हम मेकिंग स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कैसे मैंने बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया, कैसे मैंने स्किन शेड बनाया और कैसे मैंने बहुत सारे शेड्स बनाए। मतलब एक शेड ही नहीं, स्किन शेड, उससे भी मैंने बहुत सारे शेड बनाए। मतलब जो रिंकल्स होते हैं, आईज होती है, उनके बहुत सारे शेड बनाए, हाइलाइट्स अलग से बनाई। शेड अलग से बनाया। तो सबसे पहले हमने शेड से स्टार्ट किया, रंगोली ली, रंगोली जो अलग अलग कलर होते हैं, ऑरेंज, वाइट, येलो, रेड, उनको मिक्स करके स्किन शेड कैसे बनाते हैं, तो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कंप्लीट हो चुकी है और आईब्रो में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये वाले जो दद्दू है, इनकी जो आईब्रो है ना, वो वाइट थी ना वो ब्लैक थी, वो ग्रे स्टोन में कुछ स्किन शेड में दिखाई दे रही थी और कुछ कुछ ही हेयर्स थे, बाकी वो पूरा फ्लैट पोर्शन था। तो वहाँ पर मैंने शेड देकर कुछ कुछ हेयर्स बनाए हैं और आईज के टाइम पर भी कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी आईलैशेस नहीं थी
बहुत कम थी, बस आँखों में जो शेड था वो बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। जो उनकी आईलिड्स है वहाँ पर जो रिंकल्स है वो बना रहे हैं, मैं आँखों के अंदर शेड कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी जो नोज़ है उसे उठा हुआ दिखाना, मतलब ऐसा 3D दिखाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, मुझे बहुत सारे शेड बनाने पड़े। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट था उनके नोज़ पर ये पोर्शन, तो वो हाईलाइट करने के लिए बिल्कुल बारीक बारीक मुझे रंगोली डालनी पड़ी। ऐसे बिल्कुल एक चुटकी में बिल्कुल छोटा छोटा सा कलर लेती थी मैं, थोड़ा थोड़ा सा कलर कर करके और बार बार कैमरे में देख कर कि कलर शेड सही आ रहा है या नहीं, फिर उसको मैंने कंप्लीट किया। के बाद जब मैंने उनकी पगड़ी बनाना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले तो रेड और ऑरेंज कलर को मिक्स किया कि रेड और ऑरेंज कलर मिक्स कर कर शायद उनकी पगड़ी का कलर बन जाए, बट वो जो फोटो में था, जो वीडियो चल रहा था हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा था, तो वो कुछ वाइब्रेंट कलर सा दिख रहा था, नियॉन जैसा दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उसे साफ किया, उसमें बहुत सारे कलर ऐड करके देखे, होता है कि 3D रंगोली तो मैंने बहुत सारी बनाई है। 3D रंगोली में ऐसा होता है कि जैसा आपको दिख रहा होता है उसके आप फोटो क्लिक करते हो, उसको आप बनाते हो, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा आपको पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए फोटो में भी। मतलब अगर उनकी पगड़ी का कलर इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है तो वाइब्रेंट नहीं दिखाना है, उसे लाइट करना होता है। 3D रंगोली में ऐसा होता है कि वो हम शॉर्ट्स और रील के लिए बनाते हैं तो हम उसमें जो कलर एडिट करके वो चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं, बट यहाँ पर वो वाला सीन नहीं था, वो हम मैनेज नहीं कर पाते।
यहाँ पर आपको ग्रीन और ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैंने इसमें ग्रीन और ब्लू कलर के शेड मिक्स किए। पहले मैंने ऑरेंज कलर लिया, रेड कलर लिया, उसको डार्क करने के लिए, उसको थोड़ा ब्लूइश दिखाने के लिए, मैजेंटा कलर दिखाने के लिए मैंने उसमें ब्लू भी मिक्स किया। उसके बाद ये वाला कलर आया, उसके पहले तो वो नियॉन जैसा दिखाई दे रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जब आप ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा मास्टरपीस बनाते हो। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे कलर मिक्स करके देखने होते हैं। जैसे 3D रंगोली होता है, उसमें तो हमें पता होता है कि कौन सा कलर है। अगर ब्लैक कलर का कुछ बन रहा है, ये स्क्रीन शेड में बन रहा है, तो हम वो बना लेते हैं। बट ये वाली चीज़ों में सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हाइपर रियलिस्टिक बनाना मैंने 4-5 साल पहले बनाया था, उसके बाद मैंने अब बनाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बनाने में। जो एक एक बाल है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। मतलब आप एक एक चीज़ों को जब देखेंगे, मैंने एक एक चीज़ें अपने हाथ, एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है। इतना सारा कलर, मतलब मेरे हाथों पर भी, मतलब मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा घिसा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लाइन्स आ जाती है और दर्द भी बहुत देता है, क्योंकि अगर आप, मैं यहाँ से ऐसे करके रंगोली बनाती हूँ और रंगोली ज़्यादा फाइन नहीं होती है, थोड़े स्टोन पाउडर होता है वो, तो वो बिल्कुल ऐसे कट्स लग जाते हैं, बहुत बार कट्स लग जाते हैं। खाना खाने में बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो बहुत मुश्किल है रंगोली बनाना, ऐसे कोई डायरेक्ट बनाए इतनी बड़ी, इतना टाइम देकर, तो उसके हाथ तो सच में बहुत ज़्यादा कटने वाले, दुखने वाले। तो हमारे इस वीडियो के लिए, मतलब आपने पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे 3D रंगोली को आप प्यार देते हैं, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप हाइपर रियलिस्टिक रंगोली को भी दें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।